बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के कारण करनी सेना मैदान में उतर आई है। करनी सेना से जुड़े कार्यकर्ताओं ने मुरादाबाद के कलेक्ट्रेट पहुंचकर बांग्लादेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और नारेबाजी करते हुए बांग्लादेश का पुतला फूंका। पिछले कई दिनों से बांग्लादेश में तोड़े जा रहे मंदिरों और हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में पूरे देश में विरोध शुरू हो गया है। इसी कड़ी में आज करनी सेना भी मैदान में उतर आई है और एक विरोध प्रदर्शन करते हुए मुरादाबाद के कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर बांग्लादेश के खिलाफ नारेबाजी करनी शुरू कर दी और विरोध स्वरूप बांग्लादेश का पुतला भी फूंका और एक ज्ञापन के माध्यम से भारत सरकार से मांग की है कि वो अपने स्तर से कार्यवाही करते हुए बांग्लादेशी हिंदुओं की मदद करने में आगे आए। मेरा नाम ठाकुर योगेंद्र सिंह रहा है, मैं करनी सेना का प्रदेश उपाध्यक्ष हूं उत्तर प्रदेश से। अच्छा, आज एक पुतला कलेक्ट्रेट पर फूका गया, किसका पुतला फूका गया और क्या वजह रही है पुतला फूकने की? आज हमने बांग्लादेश का पुतला फूका है। अभी पिछले दिनों दुर्गा पूजा सम्पन्न हुई है पूरे देश में, तो बांग्लादेश में 6 हिंदुओं की हत्याएं हुई हैं दुर्गा पूजा के दौरान। उनके पंडालों में आग लगाई गई और 6 हिंदुओं की बड़ी नृशंस हत्या की गई है, तो उसके विरोध में हमने आज भारत सरकार को ज्ञापन दिया है और हमने ये मांग की है कि हिंदुओं की सुरक्षा जो है सुनिश्चित की जाए। और सन 2013 से लेकर अब तक 3679 ऐसी घटनाएं हुई हैं जो सिर्फ हिंदुओं की हत्याएँ हुई हैं, उनकी बहन बेटियों के बलात्कार हुए हैं और उनके घरों को जलाया गया है पाकिस्तान में और बांग्लादेश में। ये जो घटना आप बता रहे हैं अभी, ये कितने दिन पूर्व की घटना है? ये 4 दिन पूर्व की घटना है। किस तरह का आक्रोश है करनी सेना में इस बात को? करनी सेना में और पूरे हिंदू समाज में इस बात को लेकर आक्रोश है कि अभी 4 दिन पहले जब ईद मिलाद उन्नबी का जुलूस निकला है भारत के अंदर और बहुत शांतिपूर्ण वो जुलूस निकला है, किसी प्रकार की कोई दंगे की उपद्रव की खबर कहीं से नहीं आई। तो जब हिंदू राष्ट्र में मुसलमान सुरक्षित है तो मुस्लिम राष्ट्रों में हिंदू सुरक्षित क्यों नहीं रह सकता? उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? उनकी अस्मिता की, उनकी इज्जत की, उनकी आबरू की जिम्मेदारी कौन लेगा? हमारी सनातन संस्कृति की रक्षा कौन करेगा? अगर इसी प्रकार से घटनाएं होती रही तो करनी सेना आंदोलन करेगी। सरकार से क्या मांग करेंगे? सरकार से हम यही मांग करेंगे कि सरकार इसमें व्यापक कदम उठाए और संयुक्त राष्ट्र के संघ के समक्ष ये मुद्दा रखे कि जो हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं, घटनाएँ जो हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं हिंदुओं की बहन बेटियों के, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार ले और उन्हें जो है सुरक्षा प्रदान करें और वो सनातन धर्म की रक्षा हो, हमारी संस्कृति की रक्षा हो।